Good morning guys, this is Sandeep Kumar here from GOODLUCK Institute, Faculty of Mathematics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है, जो कंपलसरी है कि इस क्वेश्चन, इस वाली एक्सरसाइज से ऐसे क्वेश्चन, इस एक्स वाली एक्सरसाइज से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 7 मार्क्स का चैप्टर है। उसके अंदर हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं, जिसकी अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग टॉपिक्स हैं। 7.1 में है डिस्टेंस फॉर्मूला, 7.2 में है सेक्शन फॉर्मूला, 7.3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसकी डेरिवेशन होती है कि ये कैसे आया, एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्राइव कैसे होता है। ठीक है, एक हम कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, सबको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स माइनस, एक्स डैश या एक्स माइनस कुछ भी बोल लो, ये वाई माइनस या वाई डैश कुछ भी बोल लो, ये अपना ओरिजिन होता है जीरो। इसमें हम कहीं भी इस साइड एक पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट ए एक्स वन और वाई वन, जो कि हमारे पे एक्स का नंबर यहां से देता है, यहां से वाई का नंबर देता है। सेकंड पॉइंट हमारा बी एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट हमारा देता है यहां से एक्स टू और यहां से वाई टू। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम देखते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। इस पॉइंट के लिए बात करूं तो यहां पर पॉइंट होगा x1, इसके लिए बात करूंगा y पॉइंट y1, जब यहां से यहां डिस्टेंस निकालूंगा ये होगा x2, ये वाला होगा y2। सही है, ये हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यहां से ले लिया ए, ये बी, ये सी। अब हमारा अगर इस डिस्टेंस को निकालूं तो ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1, दोनों को माइनस करूंगा तो x2 माइनस x1। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना होगा तो इस वाले डिस्टेंस के, ये पूरा y2 ये y1, तो y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा y2 माइनस y1। इस पूरे ट्रायंगल को उठा के बाहर ले आओ, ए बी सी, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा y2 माइनस y1। ठीक है, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर निकालना है इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर क्या है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस bc कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे को ab का डिस्टेंस निकालना, वो निकलेगा ab इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हमारा स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो कैसे आया, वो इसका डेरिवेशन ये है। गाइस अभी हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो उसके ऊपर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे दो कोऑर्डिनेट दिए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ए और बी के बीच में। ठीक है, पॉइंट ए के, पॉइंट बी के, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ए के क्या है 2 3, और बी के क्या है 4 1। कोऑर्डिनेट ए के जो 2 3 है इसको लिख लेते हैं हम एक्स वन और इसको वाई वन, इसको x2 और ये y2। इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला वैल्यू रखो x2 कितना है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, माइनस करेंगे इसको 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 2 टू जा 4, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4, प्लस कर दिया इक्वल टू अंडर रूट 8, इसके फैक्टर करोगे कितना आएगा 2 रूट 2,
ये आंसर हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया दो कोऑर्डिनेट के बीच। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।